हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं हेमंत विश्वकर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत सर के साथ। फ्रेंड्स, तो हमारे जो दो लेक्चर हो चुके हैं त्रिकोणमिति के, पहले लेक्चर में हमने सीखा था कि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, ठीक। और सेकंड लेक्चर में हमने सीखा था जो आपकी टेबल की वैल्यू होती है, ठीक, साइन थीस का मान, कॉस थीस का मान, एक कैसे हम मान निकालते हैं, और हमने उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, ठीक। और अगर आप लोग और कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं उसके और क्वेश्चन भी बना दूंगा, ठीक। तो लेकिन अभी हम फिलहाल उससे अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं जो हमारी एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री की अगली है। अब इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक। इस फॉर्मूले पर जो आपके फॉर्मूले है इन पर क्वेश्चन आता है। जैसे देखो टॉपिक तो वही आपका त्रिकोणमिति, ठीक। तो अभी हमने दो टाइप के सवाल देखे, अब इसका हम तीसरे टाइप का सवाल देखेंगे, ठीक। चतुर्थांश वाले देखो, ये चतुर्थांश वाले देखने हमें, ये होता है आपका एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, ठीक। ये कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो अब इनमें कोणों में कैसे परिवर्तित होता है 90 में, ठीक। कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है। जैसे क्या होता है आपका, कॉस थीटा, ठीक। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा, देखो ये कोणों में परिवर्तन होते, 90 डिग्री में जब भी रहते तो साइन कॉस में बदलता है, कॉस कहां बदल जाता है, साइन में बदल जाता है, ठीक। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसी प्रकार टेन कहां में बदलेगा आपका, कॉट में, ठीक। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता था आपका, टेन थीटा, ठीक। तो साइन बदला कॉस में और कॉस बदला साइन में। इसी प्रकार टेन बदला सेक में, सॉरी टेन बदला कॉट में और कॉट बदला टेन में, ठीक। अब इसी प्रकार आपका सेक, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा आपका, सेक थीटा, ठीक। तो अब इस पे आधारित हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं तो वो देखें आप सबने। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, ऐसा क्वेश्चन आपका हर बार हर साल लगभग एक नंबर का क्वेश्चन ऐसा आ ही जाता है, ऑप्शन में आ जाता या सॉल्व करने के लिए आ जाता, ठीक, विकल्प में या एक नंबर में आएगा। अब कैसे सॉल्व करते हैं, देखो कॉस 31 बटी साइन 59, ठीक। अब इसको हमें हल करना है, काटना है, भाई कैसे कटेगी, अब ऐसे तो काट ही सकते थे, साइन 59 से कॉस 31 काट दो, तो क्या करेंगे, देखो कॉस 31 को क्या लिखेंगे हम, 31 को हम इस रूप में लिखेंगे, अगर 31 90 में से हम 31 घटा देंगे तो देखो हमारे कितना आ जाएगा, 59। तो हम कैसे पता, इन सवाल को कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ कर देखेंगे क्या 90 आता है, इन दोनों को जोड़ कर देखो, कॉस 31 बटी साइन 59, देखो जोड़ के देखो, 9 और 1 10 हासिल आई, 5 और 3 8, और 1 कितना हो गया 9, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया 90, यानी हम इस वाले फॉर्मूले में बनाएंगे इसको। तो क्या लिखेंगे, कॉस 90 31 को क्या लिखेंगे, 90 में से हमने कितना घटाया 59 घटाया, तब जाके कितना आएगा हमारा 31 आएगा। तो कॉस 90 माइनस 59 बटे, केवल एक को बदलना है, दोनों को नहीं बदलना, कोई एक मान को, या तो अंश को बदल लो या फिर हर को बदल लो। तो हमने अंश को बदला तो हर को हम क्या लिखेंगे, से, ठीक, 59। अब देखो इसको मैंने क्या के लिए, 31 के लिए लिखा है, 31 के लिए क्या लिख दिया मैंने, 90 माइनस 59 लिख दिया। अब कॉस 90 माइनस 59, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था आपका, कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, यानी कॉस 90 माइनस 59 बराबर क्या हो जाएगा आपका, साइन 59 और बटे साइन 59, ठीक। देखो दोनों टर्म से एक आगे, एक से आगे ना, ऊपर का और नीचे का, तो यानी दोनों से दोनों, एक ऊपर से नीचे का क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपका, एक, ठीक, ये क्या है आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो क्या है, ठीक, मैंने यहाँ पे रोमन संख्या में लिखी, वैसे आप लिख देते कोई याद नहीं, ठीक, जरूर। हाँ, क्वेश्चन नंबर दो, कॉस 80 बटे साइन 10 प्लस कॉस 59 बटे साइन 31 का मान ज्ञात कीजिए, हमें इसका क्या बताना है, मान निकालना है। तो देखो कैसे हल करेंगे, इनको जोड़ के देखो, कॉस 80 और साइन 10, इसको जोड़ो क्या 90 आ रहा, 80 और 10 कितना होता है 90 ही तो होता भाई, ठीक। तो इसको क्या करो, बदल लो, कॉस 80 को क्या लिख लो, 90 माइनस 10, क्योंकि 90 में से 10 जाएंगे कितना बचेगा 80, केवल एक वैल्यू को बदले, नीचे वाले को सेम लिखा रहने से, प्लस ऐसे इसको बदल लो, कॉस 59 को क्या लिख लो, कॉस देखो जुड़े थे दोनों को 90 आएगा, अभी याद किया है सर,
ठीक। तो कॉस 90 माइनस के 31, मतलब 90 में से 31 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 59, और साइन 31 से, ठीक। हाँ क्वेश्चन तो दिख रहा है ना, ठीक। तो देखो कॉस 90 माइनस 10, कॉस 90 माइनस 10 यानी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा, क्या होता है आपका साइन थीटा, ठीक। इसी और बटे में क्या था आपका साइन 10 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा एन साइन 31 और बटे के अंदर साइन 31। अब साइन 10 से साइन 10 कट गया कितनी बार, एक बार। साइन 31 से साइन 31 कट गया एक बार, यानी एक बचा प्लस का एक बचा, यानी टोटल कितना आंसर आ गया आपका दो। कितना आंसर आ गया टोटल आपका दो क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर ए वाला आपका, ठीक। इसमें हमें क्या का मान निकालना है, ए का मान निकालना है, ठीक। क्वेश्चन दिया है आपको tan 2a बराबर cot a माइनस 18 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका, इम्पोर्टेंट सवाल है। तो क्या करेंगे, देखो tan से cot तो कटते नहीं डायरेक्ट, ठीक। cot से cot कटेगा या tan से tan कटेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ से देखो tan 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cot, और ठीक, और cot 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं tan। तो हम क्या कर रहे हैं इस tan 2a को क्या कर रहे हैं हम, देखो समझना, tan 2a को हम cot के रूप में लिख रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे cot 90 माइनस 2a। देखो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका tan थीटा, क्या होता है tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, यानी cos 90 माइनस 2a बराबर tan 2a बराबर cot a माइनस 18। देखो बदल गए ना, एक तरफ को सेम रखा, इसको हमने टेन को क्या कर लिया कॉट में, अब दोनों तरफ की कॉट से कॉट क्या कर लो काट लो, यानी क्या हो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस के 18। अब क्या था ये आपका अचर था, ये आपका चर था, ये आपका चर था, और ये क्या था आपका अचर। अब क्या बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में कि अचर को हम अचर के पास ले जाएंगे और चर को हम कहाँ ले जाएंगे चर के पास। तो ये 90 और माइनस का जो अचर इस तरफ ब्लॉक आएगा हो जाएगा आपका प्लस का बराबर, ए तो आपका पहले से ही है चर, इस चर को माइनस टू ए को उस तरफ लाओ तो क्या हो जाएगा प्लस का टू ए, ठीक। अब दोनों को ऐड कर दो, 8 और 9 और ये कितना हो जाएगा 10, यानी 108 बराबर 3a। तो ए बराबर क्या होगा आपका 108 और बटे कितना 3, 3 से डिवाइड कर दो, 3 तिरका 9 कितना बचा ए हो जाएगा 18 पीछे 18, ए बराबर कितना आ गया आपका 36। यही क्या है आपका आंसर, ठीक। यही क्या है आपका आंसर। अब क्वेश्चन अगला देखेंगे, क्या है आपका देखेंगे समझेंगे। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि cos 75 प्लस cot 75 को 0 और 30 के बीच के कोणों में बदलो, ठीक। अभी देखो इसका समान कितना दिया है, cos का कोण कितना दिया 75 और ये भी कितने का आपका 75 का, और ये कह रहे हमें 75 तक नहीं आना, हमें 0 से कहां तक लेना 30 के बीच में चाहिए वैल्यू, 0 से 30 के बीच में। तो क्या करेंगे 0 से 30 के बीच में, तो देखो पहले क्वेश्चन नोट करो और cot 75 ठीक कर लिया। अब इसके लिए क्या लिख देंगे cos 90 माइनस, अब 75 के लिए क्या लिख सकते हैं, देखो 75 के लिए क्या लिख सकते हैं देख लेंगे चेक करके, सोने के माने 10, 10 में 5 गया 5 है सला ये या तो हो जाए 8, 9 में से 8 गया कितना बचा है, यानी 90 माइनस के कितना लिख दो 15 cos 90, देखो 75 के लिए क्या लिख दिया 90 माइनस के 15, ठीक। प्लस ऐसे इसको लिख दो cot 90 माइनस के कितना 15, cot 90 माइनस के कितना 15, तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका sin थीटा, ठीक। और प्लस cot 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका tan थीटा। देखो आगे करें कितने में थे कोण अभी 75 75 में, अब कहां से बदल रहा है 0 से 30 के बीच में, तो देखो कितने कितने में आ गए हमारे 15 15 में आ गए, ठीक। इसी प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन देखिए 2 sin 81 / cos 9, 2 sin 81 / cos 9 - tan 40 / cos 50 cot 50, तो देखो ये जो देखो इनका जोड़ 90 आ रहा है, आ रहा है, ठीक। sin का मान बदलता है cos में और cos बदलता है sin में, ये भी क्लियर है। देखो इनका जोड़ देखो क्या 90 आ रहा है, आ रहा है ना, ये 40 और 50 90, tan बदलता है cot में तो cot बदलता है tan में, तो देखो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे 2 / sin, अब 90 माइनस के 9, ठीक। 81 को क्या लिखेंगे 90 माइनस के 9 नीचे वाले के हिसाब से, और नीचे वाले को सेम लिख लो आप कितना cos 9, ठीक। माइनस ऐसे इसको क्या लिख लो 10, 40 के लिए क्या लिख दीजिए आप 90 माइनस के
50, क्योंकि 90 में से 50 घटा देंगे कितना बचता है 40, और बटे कोट कितना 50। ठीक, अब कोट कितना बचता है 50, तो आपको वहां नहीं दिखेगा तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक, इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करें तो 2 साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा का मान कितना था आपका 9। ठीक, माइनस 10 और 90 माइनस 50 यानी टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉट थीटा, कॉट 50 बटे कॉट 50। जैसे जी कट गए, जैसे जी कट गए, एक बार यहाँ में कितना था 2, यहाँ कितना था 2 गुणे यहाँ पे कितना है 1 माइनस की 1 यानी 2 एकम 2 माइनस 1 यानी 2 में से 1 क्या कितना बचा आपका 1, यही क्या है आपका आंसर। ठीक, तो इस चैप्टर के हम एक दो क्वेश्चन और ले रहे हैं जब तक ये साफ करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो क्वेश्चन और बनते हैं इस चैप्टर से आपके लिए अच्छे। तो देखो ये मैं पिछले वाले लेक्चर का जो है उसका दोबारा से एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक, क्या आपका 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin²30, हमें इसका क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 2 गुणे टेन स्क्वायर 45, अब टेन 45 का मान कितना होता था 1, अब इस पे स्क्वायर लगा तो इस पे भी स्क्वायर लगा, ठीक, प्लस अब cos²30 cos 30 का मान कितना होता था आपका रूट 3 बटे कितना 2 का स्क्वायर लगा, इसका भी स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस sin 30 का मान होता है 1 बटे 2 का स्क्वायर। ठीक, कर दिया, अब 2 1 का वर्ग कितना होता है आपका 1 ही होता, प्लस रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, रूट हटता था वर्ग पर, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, माइनस 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना होता है 4। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 एकम 2 कितना होगा 2 ही होगा। ठीक, या क्या करो आप, इस वक्त 1 बटे में 1 लिखकर 4 एलसीएम ले लो, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या होगा 1 चौके 4 ऊपर कितना आपका 2 प्लस 4 एकम 4 क्या बचा 3, 3 का गुणा करो माइनस 4 एकम 4 ऊपर कितना है 1। ठीक, सॉल्व कर दीजिए, 4 दूनी 8 3 एकम 3 माइनस का 1/4। ठीक, अब क्या होते हैं प्लस वाले जोड़ जाते हैं, 8 और 3 कितना होगा आपका 11, 11 में से लिख जाएगा कितना बचेगा 10, यानी 10 बटे कितना आ जाएगा 4, तो और सॉल्व कर दीजिए 2 5 10 और 2 दूनी 4, यानी फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका 5/2, 5/2। ठीक, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 मान जो मैंने लिखा, अच्छा सवाल है इसका, हमारा इस पर देखो क्या, यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के क्या है अंताकोण है, ठीक, कोई त्रिभुज है, ठीक, उसके अंताकोण, अंताकोण मतलब ए अंदर वाले कोण, ठीक, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं कि नहीं, ए बी सी हो गए हमारे 3। ठीक, तो इसके जो अंताकोण है, जो अंताकोण हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंताकोणों का योग, मतलब त्रिभुज के तीनों अंताकोणों का योग कितना होता है, कोण ए प्लस बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180, बीनो दैट हमें पढ़कर आए हैं। ठीक, समझाया हमने कि त्रिभुज के तीनों अंताकोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है, तो हमें दिखाना है कि जो साइन बी प्लस सी बटे 2 का मान है वो क्या होना चाहिए आपका कॉस ए बटे 2 के बराबर होना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम LSH वाले को लेंगे और क्या सॉल्व करेंगे, RSH को सॉल्व करेंगे, तो लेंगे LSH लेने पर, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है साइन अब बी प्लस सी बटे कितना 2, ए लेकर चल के हमें कॉस में आंसर देना है, देखो हम बी प्लस सी का मान चाहिए तो बी प्लस सी का मान हम यहाँ से नहीं निकाल सकते, क्या आएगा कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, और आप ये यहाँ पर चाहिए नहीं, हमें बी और सी चाहिए, तो ये को हम कहाँ शिफ्ट कर दें इस तरफ, तो माइनस का क्या हो जाएगा ए। ठीक, जो बी प्लस सी का मान निकाला हमने वो कहाँ रखेंगे, हम बी प्लस सी की जगह पर रख दो, ठीक, साइन जो है ना साइन बी प्लस सी बटे 2 यहाँ पर रख दो, तो साइन बी प्लस सी की जगह पर कितना रखेंगे 180 माइनस का ए और बटे में कितना 2। ठीक, अब क्या करेंगे, जो 2 है, जो 2 का डिवाइड किया ना हमने वो 180 में अलग करेंगे और ए में अलग करेंगे, यानी साइन 180 बटे कितना 2 और माइनस का ए बटे कितना 2। ठीक, ए कट जाएगा कितना हो जाएगा आपका 90, तो क्या हो जाएगा फाइनली साइन, ठीक, 90 माइनस ए बटे 2, साइन 90 माइनस ए बटे 2 यानी साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा यानी कॉस ए बटे 2, यही क्या करना था हमें सिद्ध करना था, यानी बराबर क्या आ गया हमारा आर एस एच। ठीक, यही क्या हो गया हमारा
आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो आपको त्रिकोणमिति की थर्ड चैप्टर है ये आपको समझ आया होगा, और अगर आपको ये समझ आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बाकी आप देखते रहें। थैंक यू।